मतलब ये कहूंगी कि दो प्ले कार्ड उठाएं और उन्हें जोड़ करके एक नया अक्षर बनाएं और वो पढ़ के सुनाएं हमें। इसके साथ साथ सर अंकों के प्ले कार्ड बना के दूंगी, जिसमें उनको कहूंगी कि ये दो प्ले कार्ड में उठा रही हूँ और बीच में मैं कोई भी साइन जैसे कि प्लस का, माइनस का, गुणा का, उनको लगाऊंगी और बता इसका उत्तर का जो प्ले कार्ड है वो आप उठाकर यहाँ रखिए। इस तरीके से भी सर मैं उनको सिखा सकती हूँ। ये आपके साथ दो तीन बच्चे बैठे हैं, वो कुछ बता सकते हैं मुझे? बताओगे? अच्छा, अपना नाम बता दो। माय नेम इज काउ। क्या नाम? माय नेम इज कामिनी। कामिनी, अच्छा हिंदी बोल सकती हो? हाँ। अच्छा, वो भी टीचर को पूछना पड़ता है? शाबाश। देखिए, विकसित भारत की एक प्रमुख शर्त है हमारे देश के बच्चों की उत्कृष्ट शिक्षा हो। जब मैं आप और आप जैसे देश के हजारों शिक्षकों को इसके लिए काम करते देखता हूं, और मैंने देखा है कि इतने इन्वॉल्व होते हैं टीचर, जैसे शायद कभी कभी तो लगता है वो अपने परिवार में अपने पोते पोते के लिए जितना टाइम नहीं देते हैं उतना कभी कभी स्कूल के बच्चों के लिए देते हैं। ये बहुत बड़ा डेडिकेशन होता है, और वही ताकत है जो परिवर्तन लाती है। संकल्प से सिद्धि का रास्ता इसी समर्पण से जाता है, इसी कमिटमेंट से जाता है, और उसी से हमें परिणाम मिलता है। मैं आपके माध्यम से आपको और इन दूर दराज क्षेत्रों में भी कठोर परिश्रम करने वाले, समर्पित भाव से शिक्षा के लिए जीवन जीने वाले सभी शिक्षक साथियों का भी मैं अभिनंदन करता हूं, धन्यवाद करता हूं। कौन है दूसरे? मंत्री जी, अब जम्मू कश्मीर के पूंछ जिले के मनकोट ब्लॉक से डॉक्टर साजिद अहमद हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वे एनिमल हस्बेंड्री विभाग में ब्लॉक इंचार्ज हैं। डॉक्टर बताइए। सलाम और आदाब सर, आपसे मुहातिब होकर बेहद खुशी हुई मुझे। क्या शुभ नाम डॉक्टर आपका? सर मेरा नाम डॉक्टर साजिद अहमद है, मैं ऑफिसर इंचार्ज एनिमल हस्बेंड्री मनकोट से। कितने समय से इस काम को देख रहे हैं साजिद जी? सर मैं 3 साल से लगातार इस ब्लॉक को सर्व कर रहा हूँ एज अ एनिमल हस्बेंड्री ऑफिसर। अच्छा, क्या अनुभव आ रहा है, क्योंकि वहाँ तो मौसम भी विपरीत रहता है और पशुओं को संभालना, दूर दूर सुदूर पशुओं तक जाना, ये अपने आप में बड़ा कठिन काम होता है। थोड़ा अपना अनुभव बताइए। जी सर, आपने ठीक फरमाया। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा ब्लॉक मनकोट देश के उत्तर पश्चिम इलाके में LOC पे है, और मेरे ठीक पीछे जो पहाड़ी आप देख पा रहे हैं ये LOC की ही पहाड़ी है। सर हमारे यहाँ अमूमन लोग ट्राइबल हैं और वो सालाना माइग्रेशन करते हैं, जिनमें ज़्यादातर लोग गर्मियों में अपने माल मवेशी को लेकर हाई पास्चर लैंड पे चले जाते हैं, और सर्दियों के आते ही वो लो लाइंग एरिया की तरफ रूह अपना कर लेते हैं। इस सफ़र के दौरान जानी माली और जानवरों का नुकसान से बचाने के लिए हमने इनको ट्रक ट्रांसपोर्टेशन जैसी सुविधा फरहम की। इसके साथ साथ वेटनरी और मेडिकल अवेयरनेस कैंप्स भी ऑर्गेनाइज किए, और सर हम ये भी कोशिश कर रहे हैं कि हम ट्रांजिएंट एकोमोडेशन भी उनको प्रोवाइड कर सकें। हमारे ब्लॉक मनकोट में गुज्जर और पहाड़ी दोनों लोग एक और समस्या से जूझते हैं, जिसमें जब वो सर्दियों में लो प्लेन्स एरिया में आ जाते हैं तो उनको फॉडर की कमी होती है। इसको मद्देनज़र रखते हुए फीड एंड फॉडर डेवलपमेंट स्कीम्स के तहत हम ब्लॉक में फॉडर डिपोज एस्टेब्लिश कर रहे हैं, ताकि बिना रोक टोक के हम इन्हें सर्दियों में भी फॉडर प्रोवाइड और फराहम कर पाएँ। अच्छा, बीमारी की स्थिति को एक सीरियस नेचर का कोई समाचार आ जाए और पैंडेमिक की संभावना नजर आए, तो इसमें आपके लिए क्या प्लानिंग होता है? सर जैसे कि लास्ट टाइम हमारे ब्लॉक में लंपी स्किन डिजीज की भी आउटब्रेक हुई थी,
तो उसको मद्देनजर रख के मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ कि हमारे ब्लॉक में जब हमें ऐसी डिजीज, नई डिजीज हमारे पास रिपोर्ट हुई, तो सबसे पहले तो हमने हमारे हायर अथॉरिटीज को ये बताया कि हमारे यहाँ एक नई डिजीज आई है। फिर सरकार के सहयोग से, लोगों के सहयोग से, यहाँ के पीआरआईज और सरपंच, वीडीसी, उन सब से मिला के लोगों को अवेयरनेस जगह जगह पहुंचाई, अवेयरनेस कैंप ऑर्गेनाइज किए, क्योंकि वो एक वायरल डिजीज थी, तो उसको टैकल करने के लिए हमें ट्रीटमेंट से ज़्यादा अवेयरनेस और इसके फैलाव को रोकने के लिए कोशिश करनी थी। हमने ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस प्रोवाइड की लोगों को, ताकि वो अपने माल मवेशी को इस बीमारी से बचा पाए। कॉलेज में जो पढ़ाया जाता है, और आज जब आप फील्ड में काम कर रहे हो, और आपके तो 3 साल ही हुए हैं इस काम में, तो एक थोड़ा उत्साह उमंग भी बहुत होगा, लेकिन फिर भी जो क्लासरूम में पढ़ते हैं और फील्ड में जाकर के देखते हैं, बहुत नई नई चैलेंजेज आती हैं, क्या अंतर अनुभव करते हैं आप? सर, आपने ठीक फरमाया कि कॉलेज की जो पढ़ाई है और फील्ड का जो एक्सपीरियंस है, उसमें बड़ा अंतर है। जैसे हमें कॉलेज में पढ़ाया गया कि विदेशी ब्रीड ही अच्छी दूध की पैदावार करती हैं, और उन्हीं को सालों से हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तरजीह दे रहे हैं। पर मैंने यहाँ ब्लॉक मनकोट में आके ये पाया कि हमारी बहुत सी लोकल इंडिजीनियस ब्रीड जो इस क्लाइमेटिक कंडीशन के हिसाब से बहुत अच्छे से परफॉर्म कर सकती हैं, और सिर्फ बेटर अडाप्टेशन, हाई मिल्क यील्डिंग के साथ साथ वो डिजीज रेजिस्टेंट भी हैं। बहुत सारी डिजीज जो लोकल हैं उनसे के लिए भी रेजिस्टेंट हैं। तो हम एस्पिरेशनल ब्लॉक डेवलपमेंट के प्रोग्राम के तहत और नेशन वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम के अंडर हम जो लोकल हाई यील्डिंग इंडिजीनियस ब्रीड हैं उनको प्रेफर कर रहे हैं, उनको प्रमोट कर रहे हैं, और जो हमारा राष्ट्रीय गोकुल मिशन है उसको इंप्लीमेंट कराने की कोशिश में लगे हैं। सजीत जी, एक तो यहाँ वेदर का बहुत बड़ा प्रॉब्लम रहता है, काफ़ी ठंड रहती है जब बर्फ, वैसे बर्फ का जम्मू पार्ट में तो थोड़ा कम रहता है, लेकिन उधर तो बहुत रहता है। उस पशु पालन के काम में जो हमारे गुजर भाई बहन हैं, उनको बहुत सारी दिक्कतें आती होगी, इससे मुक्ति पाने के लिए आप किस प्रकार से सरकार की तरफ से गाइड करते हैं, या अपनी मदद करते हैं, क्या करते हैं? सर, उसके लिए पहले तो हम उनको कुछ जनरल गाइडलाइंस के तौर पे उनको अवेयर करते हैं कि आपने अपने माल मवेशी को किस तरीके से सर्दी के और बर्फबारी से बचाना है। जैसे कैटल शेड प्रोवाइड करवाते हैं थ्रू डिफरेंट गवर्नमेंट स्कीम्स के, जिनमें उनको हेल्प मिलती है, 50% सब्सिडी मिलती है कंस्ट्रक्शन में, उनके थ्रू हेल्प करते हैं। दूसरा हम ये करते हैं कि जब वो हाई पास्चर लैंड से माइग्रेट होके नीचे की तरफ आ रहे होते हैं, तो हम ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं ताकि वो जल्दी से आ जाएं, और रास्ते में जो बर्फबारी के चांसेस हैं उनको हम रिड्यूस कर पाएं। और इसके साथ साथ हम उनको जो फॉड डिपोज एस्टेब्लिश करा के, जो सर्दियों में घास की कमी की वजह से जानवर में डेफिशिएंसी प्रॉब्लम ना आए, उनको टैकल करने के लिए हम फॉड डिपोज के हेल्प से उन्हें फॉडर्स प्रोवाइड करते हैं। हमारे देश में एक कोविड वैक्सीन को लेकर के तो देश को पता है कि देश में 200 करोड़ से ज़्यादा मुफ्त वैक्सीन के डोज दिए गए, लेकिन बहुत कम लोगों को मालूम है कि हमारे देश में पशुओं के लिए फूट एंड माउथ जो डिसीज है, उसके लिए मुफ्त में एक बहुत बड़ा वैक्सीनेशन का अभियान चल रहा है, और पशु के लिए ये बहुत अनिवार्य भी है। आपके यहाँ उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है? सर, जब से ये फ्री ऑफ कॉस्ट FMD की वैक्सीन जो हम सरकार की तरफ से NADCP प्रोग्राम के अंडर आई है, हमने मास लेवल पे यहाँ लोगों को, क्योंकि ये FMD डिजीज मोस्टली तब आती है जब जो हमारे यहाँ के ट्राइबल्स लोग हैं वो अपर रीचेस से लोअर लैंड में आते हैं, तो वहाँ से ये वायरस हमारे यहाँ लोअर प्लेन्स में भी स्प्रेड होता है। तो हम वहाँ पे भी वैक्सीन करते हैं डॉग्स में जाके, और यहाँ पे भी ऑलरेडी जो यहाँ लोग और जो जानवर रह रहे हैं इनको भी वैक्सीनेट कर देते हैं, ताकि इस डिजीज की प्रेवलेंस को रोका जा सके, और हमारे जो जो FMD की वजह से जो लोगों की लेवलीहुड में और उनकी आमदनी में कमी आती है उसको टैकल कर सकें, और इसका बहुत बड़ा हमें रिजल्ट भी दिखने को मिल रहा है। साजिद जी, मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैं किसी जमाने में जम्मू कश्मीर इलाके में बहुत काम करता था, ये आपके मनकोटे में भी मैं काफ़ी भ्रमण कर चुका हूँ, गुजर परिवारों से मेरा नाता भी बहुत रहता था, क्योंकि मेरे कच्छ के लोग और गुजर परिवार, पहनाव वगैरह सब में बहुत सिमिलैरिटी लगती थी मुझे।
एक अपनापन महसूस होता था, लेकिन दुर्गम क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं, मैं आपको बधाई देता हूं। आइए, और कौन है अभी? माननीय प्रधानमंत्री जी, अब पूर्वोत्तर राज्य मेघालय लिए जा रहे हैं हम आपको, जहां के जिले नॉर्थ गारो हिल्स के ब्लॉक रेशुबेलपाड़ा से श्री माइकेन चर्ड मोमिन हमारे साथ हैं। आप जूनियर रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, और माननीय प्रधानमंत्री जी, इस ब्लॉक के लोग आपका स्वागत एक गीत के साथ कर रहे हैं जिसका टाइटल ही है उम्मीद, होप। मोमिन जी, मोमिन जी, आपकी आवाज नहीं सुनाई दे रही है, और मेरी आवाज का इको हो रहा है वहाँ। हाँ सर, आपका आवाज आ रहा है सर यहाँ पे। अच्छा मोमिन जी, अभी मैं कश्मीर में जहाँ बर्फबारी होती है वहाँ बात कर रहा था, और अभी गारो हिल्स के आप लोगों से जहाँ सबसे ज्यादा बारिश होती है ऐसे क्षेत्र से बात कर रहा हूँ। और मैं, आप तो रूरल डेवलपमेंट के काम में लगे हैं, तो वहाँ पर इतनी बारिश और डेवलपमेंट के काम करने हो, घर बनाने हो, तो बहुत दिक्कतें आती होगी, काम भी प्रभावित होगा होगा। इन समस्याओं का समाधान कैसे करते हैं? माननीय प्रधानमंत्री, आपने बिल्कुल सही सुना है, हमारा मेघालय में साल में 7 या 8 महीना बारिश होता है। हम